हेलो फ्रेंड्स, नेटो क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम न्यू डिज़ाइन में तोरण बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमने 4 प्लाई का ऊन लिया है और 10 नंबर की क्रोशिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले से एक तोरण पट्टी तैयार कर ली है, इसका वीडियो मैं लोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज इसी में हम नीचे का भाग बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक नॉट लगा लेंगे यहाँ पे, इसके बाद देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी तरीके से हम 3 चेन बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया हर एक लाइन में बनाते जाएंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम ही हमें बनाना है। देखिए यहाँ पे 8 जाली, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जाली बनाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 6 चेन बनाएंगे और दूसरी साइड आ जाएंगे। दूसरी साइड आने के बाद देखिए यहाँ पे हम ये वाले जाली हम छोड़ देंगे और इस जाली को छोड़ के इस दूसरे जाली में देखिए इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 टाइम फंदे गिराएंगे और 1 फंदे क्रोशिया पर रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम फंदे निकालेंगे और इन सभी को एक साथ देखिए इस तरीके से नीचे गिरा देंगे। इसके बाद फिर से अब हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद यहाँ देखिए इस लूप में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 चेन बनाने के बाद देखिए फिर ए वाले जाली एक छोड़ देंगे और फिर इस जाली में देखिए यहाँ 6 चेन बनाने के बाद देखिए इस जाली को छोड़ के इस वाले सिंगल क्रोशिया में फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर इस सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर देखिए यहाँ से हम दूसरी साइड आ जाएंगे और दूसरी साइड आने के बाद देखिए यहाँ इस वाले जाली में जो हमने 6 चेन बनाए हैं इस जाली में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इसके बाद देखिए इस वाले लूप में, देखिए इसके बीच वाले लूप में हम यहाँ तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन। इसके बाद बीच में फिर से तीन चेन बनाएंगे और फिर सेम जगह पे तीन टाइम डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक दो तीन। इसके बाद देखिए फिर इस जाली में हम नौ टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो। इस तरीके से हम नौ डबल क्रोशिया, टोटल नौ डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। देखिए यहाँ हम आठ डबल क्रोशिया बना चुके, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और फिर एक डबल क्रोशिया इस चेन में बनाएंगे, देखिए इस डबल क्रोशिया में नौ। इसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, इसके बाद फिर से एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद फिर एक यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद देखिए अब हम यहाँ तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, फिर से तीन चेन बनाएंगे, फिर दूसरी साइड आ जाएंगे और फिर देखिए इसी जगह पे इसमें फिर से एक टाइम हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से तीन चेन, फिर देखिए एक दो, दो लूप छोड़ के तीसरा लूप में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन, फिर एक दो लूप छोड़ देंगे और तीसरा में एक डबल क्रोशिया, फिर से एक दो तीन चेन, फिर एक दो छोड़ के तीसरा में एक डबल क्रोशिया, फिर से एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे और फिर यहाँ बीच में, फिर बीच में यहाँ हम छः टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से एक दो तीन चेन और फिर देखिए यहाँ तीन लूप छोड़ देंगे, एक दो तीन और फिर एक डबल क्रोशिया, फिर से तीन चेन और फिर एक दो लूप छोड़ के तीसरा में एक डबल क्रोशिया, फिर एक दो तीन, फिर से दो लूप छोड़ के तीसरा में एक डबल क्रोशिया, फिर एक दो तीन, फिर यहाँ एक दो लूप छोड़ के तीसरा में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फिर यहाँ तीन चेन बनाएंगे और फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, देखिए इस लूप में एक सिंगल क्रोशिया, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच जाली बने इस साइड भी, और एक दो तीन चार पाँच जाली इस साइड और बीच में छः डबल क्रोशिया। फिर से अब हम तीन चेन बनाएंगे और फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर से देखिए, फिर देखिए यहाँ से फिर हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, फिर दूसरी साइड आ जाएंगे और देखिए यहाँ इस लूप को छोड़ देंगे और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो तीन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक दो तीन, देखिए बीच में तीन चेन बनाएंगे और सभी डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इसके बाद फिर से तीन चेन बनाएंगे और फिर देखिए यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक सेम जगह पे दो टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया, यानी टोटल इस लाइन में हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, टोटल 12 डबल क्रोशिया
देखिए सभी के ऊपर दो डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक लूप में दो टाइम डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से टोटल 12 डबल क्रोशिया बन जाएंगे यहाँ पे, 2, 4, 6, 8, 10, 12। फिर से हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे और फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, इन सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे इन सभी डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना ली है। अब देखिए 3 चेन बना के फिर देखिए यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बिना कोई चेन बनाए यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से हम फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर आगे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ हम 1, 2, 3 फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर 3 चेन बनाने के बाद फिर से दूसरी साइड आ जाएंगे और फिर देखिए यहाँ ए वाले लूप छोड़ देंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1, 2, 3 फिर से 3 चेन, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर 1, 2, 3 फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर 1, 2, 3 फिर एक और डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ हम बीच में एक चेन बनाएंगे और इन सभी डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और बीच में एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरीके से यहाँ तक बना लेंगे। देखिए टोटल यहाँ पे बीच में एक चेन बनाते हुए टोटल 12 डबल क्रोशिया बना ली है। और फिर यहाँ हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 और फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर 1, 2, 3 फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए एक यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से यहाँ 3 चेन बनाएंगे और फिर देखिए यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर एक यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर अब देखिए यहाँ 1, 2, 3 3 चेन बनाएंगे, फिर दूसरी साइड आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे लास्ट में हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे हमने बना लिया है। अब देखिए यहाँ 3 चेन बनाने के बाद फिर से इस वाले चेन में 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद देखिए इसको छोड़ देंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर वाले में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से यहाँ हम 3 चेन बनाएंगे और फिर देखिए यहाँ पे हम 2 टाइम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 फिर देखिए 2 डबल क्रोशिया इस लूप में बनाने, चेन में बनाने के बाद फिर से यहाँ हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन और फिर देखिए इस डबल क्रोशिया में हम 2 टाइम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इसके बाद फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन, फिर से इस डबल क्रोशिया में दो टाइम डबल क्रोशिया। फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन बनाएंगे, तीन चेन, फिर इस डबल क्रोशिया में दो डबल क्रोशिया, एक दो, फिर एक यहाँ डबल क्रोशिया, और फिर इसमें पांच बन गए। देखिए ये पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच कंगूरे वाला डिजाइन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए एक टाइम ही हम दो फंदे गिराएंगे और एक फंदा हम क्रोशिये पर रखेंगे। इसके बाद फिर देखिए यहाँ से इस वाले लूप से एक फंदा लेंगे यहाँ पे, अब इन तीन फंदों को हम एक साथ बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। फिर यहाँ हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद एक दो तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बनाने के बाद इसमें देखिए इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो तीन, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, छः डबल क्रोशिया में हम यहाँ पे दस टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, छः डबल क्रोशिया के ऊपर दस डबल क्रोशिया। इसके बाद एक दो तीन, फिर इसके ऊपर एक, फिर से तीन चेन बनाएंगे और फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से एक दो तीन चेन बनाएंगे, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, ये दो चार पाँच छः, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पे हम देखिए यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः, नीचे छः है और ऊपर में देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद नौ डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ पे नौ, एक दो तीन चार डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया में देखिए यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद एक दो तीन चार, इसके बाद फिर देखिए सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, देखिए इस तरीके से। फिर हम इन सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए नीचे तक आएंगे,
फिर इस लूप में एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे बीच में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सेम तरीका से हम 9 टाइम चेन बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 चेन बनाएंगे और फिर 1, 2, 3 चेन छोड़ के चौथा चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद सेम जगह पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1, 2, 3, 4 चार चेन बनाएंगे फिर से, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर से हम इन सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर से हम नीचे आएंगे। फिर यहाँ एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। इसके बाद देखिए फिर यहाँ हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 1, 2, 3 चेन, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर बीच में एक सिंगल क्रोशिया। फिर देखिए सेम तरीके से हम इस साइड भी बना लेंगे। फिर से इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब देखिए यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, इसको इस तरीके से मिला लेंगे और मिलाने के बाद फिर यहाँ हम 1, 2, 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद फिर इस डबल क्रोशिया में 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन, फिर 2 टाइम डबल क्रोशिया। देखिए ये वाला डिजाइन फिर इस साइड भी हम बनाएंगे। फिर से 3 चेन, फिर यहाँ 2 टाइम डबल क्रोशिया। फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया। देखिए फिर से 3 चेन बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया में 2 टाइम डबल क्रोशिया, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर यहाँ 2 टाइम डबल क्रोशिया, फिर देखिए यहाँ लास्ट में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन। देखिए फिर से अब हम डिजाइन शुरू से बनाना शुरू करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक डिजाइन पूरा कर लिया है। देखिए इस तरीके से एक डिजाइन, आप चाहें तो एक कलर से भी बना सकते हैं, या पट्टी वाले कलर से भी बना सकते हैं, या दूसरे कलर से। हमने दो कलर में बनाए हैं ताकि आपको डिजाइन दिखे आसानी से और समझ आए। तो देखिए यहाँ पे हमने पूरा एक डिजाइन बना लिया है। अब यहाँ से हम फिर से शुरू करेंगे दूसरा डिजाइन बनाने के लिए। फिर से आप यहाँ से शुरुआत से वीडियो देख के फिर से आप दूसरा डिजाइन बना सकते हो। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, बीच में तीन चेन बनाते हुए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ जाली। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर भी यहाँ से शुरू करेंगे गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक बनाएंगे 9 टाइम सिंगल क्रोशिया और इस तरीके का आठ जाली। देखिए इस तरीके का आठ जाली बनाएंगे यहाँ तक, और फिर से हम ये वाला डिजाइन फिर से हम शुरू करेंगे शुरू से। फिर इसी तरीके से गेट के पूरे गेट के बराबर की पट्टी में इस तरीके का डिजाइन हम बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल क्रोशिया बना ली है, बीच में देखिए यहाँ आठ जाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ जाली भी बन गए हैं। अब फिर से यहाँ से हम डिजाइन ये वाला फिर से शुरू से, जैसे हमने शुरुआत में बनाया है, यहाँ से फिर से हम शुरू करेंगे। फिर यहाँ हम 6 चेन बनाएंगे, 6 चेन बना के दूसरी साइड वापस आएंगे, और देखिए इस वाले जाली को छोड़ के इस जाली में हम 6 टाइम देखिए ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही टाइम डबल क्रोशिया का फंदे गिराएंगे और एक फंदे हम क्रोशिया पे रखते जाएंगे। 3 4 5 6 फिर इन सब को एक साथ नीचे गिराएंगे। फिर यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 और फिर देखिए यहाँ इसको छोड़ देंगे, इस जाली को भी छोड़ देंगे, और यहाँ इस लूप में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, और फिर देखिए दूसरी साइड आ जाएंगे, और फिर यहाँ हम 9 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए सेम तरीके से शुरू से जैसे हमने बनाए हैं, सेम तरीके से फिर से हम दूसरा डिजाइन भी यहाँ बना लेंगे। इस तरीके से हम तीसरा, चौथा, चार डिजाइन इस तरीके का बनाएंगे तो पूरे गेट के बराबर की आ जाएगी। तो आगे वाला डिजाइन भी हम बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक गुड़िया वाली तोरण बन के तैयार है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तोरण बना है। ये देखिए आप भी अपने गेट के लिए बना सकते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।